नमस्ते, मैं हूं पाल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कुछ और ऑन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। जी हां, CAA 2019 के ऊपर हम कुछ और पॉइंट्स शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो प्रकार के माइग्रेशन होते हैं भारत के अंदर। एक होता है वॉलंटरी माइग्रेशन, जिसका उदाहरण है रोहिंग्याना मुस्लिम्स, क्योंकि वो म्यांमार से चाइना जाने के बजाय भारत में घुसते हैं वाया बांग्लादेश, दैट इज़ फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और दूसरा माइग्रेशन का उदाहरण है दैट हैपन्स with the six minorities of the three Islamic countries, Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, who face religious persecution and that is why they involuntarily migrate to India. तो ये दो उदाहरण हैं माइग्रेशन के with that happens with our country India. साथ साथ में अब मैं आपके साथ थॉट प्रोसेस शेयर करूंगी ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ आर कंट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड उनकी क्या विचारधारा थी ऑफ दीज फॉर दीज डिस्प्लेस्ड पीपल। उनका कहना था ऑन 15 नवंबर 1950 दैट देर इज लिटिल डाउट ऑफ कोर्स दैट दोज डिस्प्लेस्ड पर्सन हु हैव कम टू सेटल इन इंडिया आर बाउंड टू हैव देयर सिटीजनशिप। इफ द लॉ इज इनएडिक्वेट इन दिस रिस्पेक्ट, द लॉ शैल बी चेंज्ड। राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके क्या विचारधारा थी? दोज डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैव टू बी रिहैबिटेटेड, दे हैव अंडरगॉन अ लॉट ऑफ सफरिंग्स एंड द कंट्री शुड थिंक अबाउट देम। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आर नेशन, जिनके बहुत सारे फैंस हैं लिबरल्स के अंदर, उनकी क्या विचारधारा थी अबाउट दीज डिस्प्लेस्ड सिक्स माइनॉरिटीज फ्रॉम द थ्री इस्लामिक नेबरिंग कंट्रीज। द हिंदूज एंड द सिक्स लिविंग इन पाकिस्तान, इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू लिविंग देयर बिकॉज देर इज नो कंड्यूसिव एटमोसफियर टू लिव देयर, अनडाउटेडली दे कैन कम टू इंडिया एंड इंडिया शुड एक्सेप्ट देम। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी क्या विचारधारा थी? एंड ऑल्सो द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आर फ्रेंड्स हु हैव टेकन पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट, दे कैन नॉट बिकम फॉरेनर्स सडनली जस्ट बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, द कंट्री हैज टू एक्सेप्ट देम। द कांग्रेस पोलिटिकल पार्टी, जो हमारे देश की सबसे पुरानी पोलिटिकल पार्टी है, उनकी क्या विचारधारा थी ओवर दीज डिस्प्लेस्ड पीपल, क्योंकि माइनॉरिटीज के ऊपर प्रताड़िता इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद शुरू हो गई थी इन द थ्री नेबरिंग इस्लामिक कंट्रीज। कांग्रेस की विचारधारा ये थी, द कांग्रेस इज कमिटेड टू ग्रांट सिक्योरिटी टू ऑल नॉन मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान हु हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर टू सेव देयर लाइफ्स एंड डिग्निटी एंड ऑल्सो टू दोज हु आर अबाउट टू डू दैट फॉर द सेम रीजन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसकी वजह से द वीजा टू कश्मीर एंडेड, उनकी क्या विचारधारा थी? उन्होंने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया फ्रॉम कांग्रेस व्हेन ही सॉ दैट द नेहरू लियाकत पैक्ट वुड नॉट गो एज ही थॉट, बिकॉज ही वॉज सीइंग द फेट ऑफ द हिंदू माइनॉरिटीज इन ईस्ट बंगाल, दैट इज ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज बांग्लादेश एट प्रेजेंट। उन्होंने इमीडिएटली रिजाइन किया फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इन द प्रोटेस्ट ऑफ नेहरू लियाकत एग्रीमेंट ऑन 18/4/1950। उनका कहना था, द सर्कमस्टांसिस दैट हैव लेड टू माई रेजिग्नेशन आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, स्पेशली इन ईस्ट बंगाल विच इज ईस्ट पाकिस्तान विच इज नाउ बांग्लादेश। आगे बात करते हैं, इन ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, आफ्टर द प्रोग्राम ऑफ 1950 देर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ जेनोसाइड, स्पेशली हिंदू जेनोसाइड, नोटेबल बीइंग द 1964 रायट्स आफ्टर द एलेज्ड थेफ्ट ऑफ प्रॉफिट्स हेयर फ्रॉम हजरत बाल श्रिन, द होलोकॉस्ट ऑफ 1971, द रायट्स ऑफ 1992 फॉलोइंग डेमोलिशन ऑफ अयोध्या, द रायट्स इन 2001 आफ्टर इलेक्शन ऑफ खलीदा Zia government in Bangladesh. These are just few instances of many such on. तो नेहरू लियाकत एग्रीमेंट, जहाँ पे दोनों देश के माइनॉरिटीज़ को प्रॉस्पर करने का राइट था, वहाँ पे सिर्फ इंडिया ने ये पैक्ट को फॉलो किया है, क्योंकि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ती हुई आई है, मगर पाकिस्तान ने ये पैक्ट को फॉलो नहीं किया, द नेहरू लियाकत पैक्ट, एंड पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ की परसेंटेज ना के बराबर है। इसके बावजूद बहुत सारे पाकिस्तान के फैंस हैं भारत के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम सोनम कपूर हु सेज दैट हर बेस्ट फ्रेंड्स आर फ्रॉम पाकिस्तान। आगे बात करते हैं अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सोच ऑन द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो आज की तारीख में लागू हुआ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, द बिजनेस ऑफ लेइंग डाउन परमानेंट लॉ ऑफ सिटीजनशिप हैज़ बीन लेफ्ट टू द पार्लियामेंट,
The entire matter regarding citizenship has been left to the parliament to determine by any law it may deem fit. जी हाँ, the father of our constitution, उनकी क्या विचारधारा थी over citizenship. But the parliament may make altogether a new law embodying new principles if there is any category of people who are left out. By the provisions contained in this amendment, we have given power to the parliament to subsequently make provision for them. So the Citizen Amendment Act is not unconstitutional because B.R. Ambedkar ji ne power di thi to the parliament to amend the citizenship as it deemed fit. यहाँ पे किस प्रकार से भारत की नागरिकता मिलती है, सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. ये तरीकों से सिटीजनशिप ऑफ भारत प्राप्त होती है. आगे बात करते हैं, जैसे मैंने आपके साथ बोला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट गिव्स इंडियन सिटीजनशिप टू द सिक्स माइनॉरिटीज हु फेस रिलीजियस पर्सिक्यूशन इन द थ्री इस्लामिक कंट्रीज एंड आर फेस्ड इनवॉलंटरी माइग्रेशन टू आर कंट्री इंडिया. CAA is not unconstitutional. इसका example ये है कि Article 14 also talks about equality among equals and never of equality among unequals. We have always maintained that there is a difference between refugee and infiltrators. Rohingyana Muslims are infiltrators and the six minorities of the three Islamic countries who face religious persecution are refugees. इन दोनों का मतलब आप सब समझिए. We have always said that refugees and infiltrators cannot be equated. Persecuted migrants and voluntary migrants cannot be looked from the same prison. And taking off from that language of Article 14, there is intelligible differentia to treat unequals unequally. The bill has also done a permissible classification on geographical basis. साथ साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, द सिटीजन अमेंडमेंट रूल्स 2004 ग्रांटेड सिटीजनशिप टू हिंदूज हु वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेटल्ड इन बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. ऑल्दो दोज रूल्स वर इनएक्टेड बाय NDA 1, इवन UPA 1 व्हेन केम टू पावर सेड टू बी ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू हिंदूज फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस rule was extended and applied twice in 2005 and 2006. तो ये मेरा information है to all the so-called Congress के नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी क्यों ना हो, because वो कह रही थी कि गरीब दस्तावेज कहाँ से लाएंगे, because she just wanted to oppose CAA. She does not know the history of her own political party that CAA was endorsed by Mr. Manmohan Singh, जिनके ये सब बहुत बड़े fan हैं, they call him the greatest economist, but वो अपने खुद के party के economist के history को भूल कर अब CAA के विरुद्ध खड़े हुए हैं. साथ साथ में अशोक गहलोत, जिनकी सरकार के अंदर मुझे मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत गिरफ्तार किया गया, वो कह रहे हैं कि CAA अमेंड करने से द मोदी सरकार वांट्स हिंदू राष्ट्र टू बी एस्टैब्लिश्ड. सो अशोक गहलोत जी, आपके प्रदेश के अंदर जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच इज लिमिटेड एज पर फ्यू, आप ऐसी स्टेटमेंट करते हैं, दिखाता है कि आप कितने इग्नोरेंट हैं या इलिटरेट हैं, क्योंकि आपको अपनी पार्टी का जो रिलेशनशिप है विद CAA नहीं पता, चाहे वो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का विचारधारा थी या मनमोहन सिंह की विचारधारा थी. आगे मैं ऑब्वियसली इतना ही कहना चाहती हूँ टू द पीपल ऑफ बॉलीवुड, स्पेशली वन लेडी कॉल्ड एज रीमा काकी कागटी. She said that my arrest was unwise, but she called me stupid. So I just want to tell her, thank you for saying that my arrest was unwise, but aapne mujhe stupid bulaya, isliye main aapke saath ye video mein ye information share kar rahi hu. Agar aapke paas ye video pahunchta hai, kyunki Bollywood ke bahut sare stupid logon ne CAA ka virodh kiya hai, to unke liye ye video hai, kyunki inko itna bhi nahi pata ki CAA ko kisne endorse kiya. CAA ko Manmohan Singh ne endorse kiya, CAA ko technically Nehru ji ki wajah se भारत में उसका ओरिजिन हुआ, मगर बॉलीवुड के ये स्टूपिड लोग मेरे थॉट प्रोसेस को स्टूपिड बोलते हैं जहां पे मैं CAA का समर्थन करती हूं. दिखाता है कि ये लोग कितने इलिटरेट है. साथ साथ में ऑब्वियसली माय मैसेज टू अनुराग कश्यप हु इज कॉलिंग मोदी जी अर्बन नाजी. जी हां, आप कुछ भी बोल सकते हैं मोदी जी के खिलाफ क्योंकि आप लिबरल हैं, मगर मैं मोतीलाल नेहरू जी के ऊपर कुछ बोलती हूं, एक वीडियो भी बनाती हूं, तो मुझे अरेस्ट कर दिया जाता है अंडर कांग्रेस सरकार.
शशि थरूर जी ने भी ये कहा था कि मेरे थॉट्स एंड मेरे विचारधारा सिली हैं, स्टुपिड है, टेस्टलेस हैं, क्योंकि मैं संगी ड्रिवन थॉट प्रोसेस रखती हूँ। तो उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि व्हाट्सअप से जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, कम से कम मैं उसको समझने की तो कोशिश करती हूँ। आपकी तरह आपके पोलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो यू नो प्रोटेस्ट पर चले जाते हैं CAA के, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी पार्टी के मनमोहन सिंह ने ही इस यू नो एक्ट को कभी ना कभी एंडोर्स किया था, क्योंकि हिंदुओं के साथ प्रताड़िता होती थी इन पाकिस्तान, दिखाता है कि सबसे ज्यादा बेवकूफ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स कौन है, वो है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। और आगे जाते जाते एक कोई सिंगर है, रैपर है, जो कलर्स टीवी का कोई शो में आया था, वो बैठ के बहुत ज़्यादा यू नो कम्यूनल स्पीच दे रहा था अपने कोई शो के अंदर, और कह रहा था कि कैसे उसके मुस्लिम यू नो साथी को के साथ अगर निकाला गया भारत से ऑन द बेसिस ऑफ CAA तो वो ये कर देगा, वो कर देगा। आई थिंक उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को CAA के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, बट ऐसे ही यू नो बोलते रहते हैं जोर जोर से और हेट और दंगे करते हैं भारत के अंदर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए भारत के अंदर, और उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। नमस्कार।